What's up people, कैसे हो आप लोग? Just 2 days after I came back home from the Himachal trip, we are going to the Honda Big Wing showroom to pick up the CB350 RS for 3-4 days to test it out and I'll be sharing a detailed comprehensive review with you guys कि Honda 350 RS कैसी बाइक है. Hopefully वो वीडियो थोड़े दिन में आएगा, बट आज हमें ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव जाना है एंड थोड़ा सा ये पंगा पड़ रहा है कि मैं अपनी बाइक को पहले सोच रहा था कि होंडा बिग विंग शोरूम गुड़गांव में ही छोड़ूंगा टाइगर को 3-4 दिन के लिए, बट फिर मेरे को लगा यार कि आई थिंक बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि मैं अपने किसी फ्रेंड के घर छोड़ दूँ रास्ते में. सो आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड करंस प्लेस, उसका घर आई थिंक मुनिरका में है, तो वहाँ पे आई लीव द टाइगर, वहाँ से उसकी वर्सेस 1000 पे एज अ पिलियन आई विल राइड टिल द होंडा बिग विंग शोरूम और बाइक उठाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं. सो राइड के बाद मैंने टाइगर को ना 1 सेकंड के लिए भी छुआ नहीं है 2-3 दिन पहले जब मैं आया हूँ, तो बाइक एज सच पूरी की पूरी गंदी पड़ी है. आप देख सकते हो राइड के बाद कितनी गंदी होती है बाइक. इतनी गंदी मैं बाइक रखता नहीं हूँ, राइड नहीं करता, बट क्या करें अभी अचानक जाना पड़ रहा है और बाइक वहाँ पर भी 3-4 दिन पार्क रहेगी. उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से साफ़ करेंगे. साथ में खड़ी है हमारी हीरो होंडा स्प्लेंडर, वो भी देखो काफ़ी गंदी पड़ी है, मेरी नहीं है किसी और की है, सॉरी. तो ये देखो पीछे से कितनी गंदी है. सो स्टार्ट करते हैं राइड को. बाइक को 2 मिनट गर्म करना पड़ेगा, फ्यूल अप भी करना है क्योंकि राइड के बाद जिस दिन मैं रात को घर आया हूँ द फ्यूल टैंक वॉज ऑल्सो एम्प्टी. थोड़ी गंदी है यार बाइक, दिल नहीं कर रहा बैठने का बट क्या करूँ, बैठना पड़ेगा. हो जा भाई स्टार्ट, घूँ घूँ घूँ. भैया जब लॉन्ग रूट की ड्राइव है तो फुली करो, फुली ही करें आप. लॉन्ग रूट करके ही आइए, उसके बाद सफाई करी नहीं हमने इसकी, पूरा हिमाचल घूम कर आइए. भैया जब टाइम मिलता है चले जाते हैं घर बार से, थोड़ा बहुत 3-4 दिन का टाइम मिल जाए तो चले जाते हैं. अब इस पे फैमिली को तो ले जा नहीं सकते ना. कितनी एवरेज चाहते हो आप जिंदगी में? बस सर बस. हाँ बस बताओ, 1500 का खा गई पेट्रोल पे, एक ज़माने में 1200 में भर जाता था पूरा. हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना. ज़माना ज़्यादा दूर नहीं था, 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब 1200-1300 में हो जाता था टैंक फुल. सो सम टाइम बैक आई मेड अ रील ऑन इंस्टाग्राम अबाउट द माइलेज दैट द टाइगर गिव्स. At that point of time, I made 2 reels. The first one was showing you the actual mileage by using the tank fill method after riding the Tiger for about 75 kilometers. Usme I think the mileage that I got was about 25.8. So round off karke around 26 ki mileage aa rahi thi. And jo second reel banayi thi, that was riding Blanca at almost 60 km/h on the expressway. कंट्रोल्ड स्पीड, क्रूज कंट्रोल पे स्लो चला रहा था, जिस स्पीड पे वैसे कोई मतलब ऐसी बाइक चलाने वाला कोई चलाता नहीं है, बट देख रहे थे कि कितनी बढ़िया माइलेज आती है. उसमें अराउंड 38-39 की माइलेज आ रही थी, एक बार तो 40 की भी आ रही थी. बट जो एक्चुअल ट्रिप पे माइलेज आती है टाइगर की, वो आती है इफ़ यू हैव अ लुक हेयर. ये ट्रिप मीटर देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है यार. सो जो मैंने अभी ट्रिप किया था रिसेंटली हिमाचल का, 2 दिन पहले ख़त्म किया है, उसमें आई है 24.3 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ डिसेंट यार टाइगर के हिसाब से. 800 cc इंजन जो पूरा ट्रिप था हमारा था 1390 ऑड किलोमीटर्स का, उसमें 24 की माइलेज दे रही है अगर बाइक, तो आई एम प्रिटी हैप्पी यार. मतलब 800 cc बाइक से और क्या चाहते हो, जितने मज़े आपको देती है ये बाइक. उसके बाद 24 की माइलेज मिल रही है तो यार बढ़िया है. आई मीन अभी इसका मैं एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा आप लोगों के लिए. 20,000 किलोमीटर्स जो मैंने अभी रिसेंटली हिट किए हैं विद द टाइगर, देखो आप 20,253 किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो. मेरा अभी तक का ओनरशिप एक्सपीरियंस आई विल शेयर विद यू, द टाइप्स ऑफ सर्विस कॉस्ट आई हैव इनकर्ड सो फार, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स. और ये सेम ही रहने वाला है अगर 800 है 900 है आपके पास, क्योंकि एज सच कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला सर्विस कॉस्ट में. तो अभी हम चलते हैं करण के घर और यहाँ से हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अराउंड 40 मिनट्स. रास्ता बढ़िया है एज यू नो, एक्सप्रेसवे पार करना है, DND के बाद देखते हैं कैसा जैम मिलता है. सो लंबी राइड करने के बाद ना बंदा एक जोन में आ जाता है,
काफ़ी दिनों से बाइक ना चलाई हो तो ऐसा लगता है यार कि रस्टी हो गया है, आई मीन इंस्टिंक्ट्स रिएक्शंस थोड़े से स्लो हो जाते हैं, बट अभी इस समय आफ्टर डूइंग दैट लॉन्ग राइड ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट मैंने राइड ख़त्म करी है एंड आई एम जोन्ड इन, तो बढ़िया खींच के चला रहा हूँ बाइक। सो फुल कॉन्सेंट्रेशन मोड में, राइड हार्ड वाला मोड चल रहा है इस समय, और अच्छी रोड ऑब्वियसली हेल्प करती है। अभी एक चीज़ है जो मैंने ठीक करानी है टाइगर में, वो है इसका हैंडल बार, वो थोड़ा सा जो हल्का सा टेढ़ा हो गया है, मुझे लगता नहीं आप लोगों को यहाँ से क्लियरली इट वुड बी विजिबल, बट जो लास्ट टाइम मैं जेवर पे राइड पे गया था प्रवीण जी के साथ, जिनकी हार्ले डेविडसन फैट बॉय है, अगर आपने इंस्टा रील्स देखी हो तो एक रील डाली थी जिसमें मैं एक हार्ले डेविडसन फैट बॉय चला रहा था मैट ब्लू कलर की, तो प्रवीण जी इसको टाइगर को चला रहे थे, यू टर्न ले रहे थे जेवर पे स्टारबक्स के सामने, और वहाँ पे ये बाइक टिप ओवर हो गई, तो राइट पे गिरते हुए आई थिंक इसका हैंडल हल्का सा मुड़ गया है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये हैंडल जोर धक्का मुक्की और ज़ोर लगा के कैन इट गेट स्ट्रेटन्ड और कोई नया पंगा पड़ता है। तो मैं पूरा ट्रिप मारा है हिमाचल का इस हल्के से टेढ़े हैंडल के साथ, आई डोंट थिंक सो कोई बहुत बड़ा इशू होना चाहिए, बट लेट्स सी व्हेनेवर आई गेट टाइम आई विल ट्राई टू गेट दिस इशू सॉल्व एज वेल। सो अभी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे क्रूज कंट्रोल पे सेट है, 110 111 पे मामला सेट, और आप लोगों को मेरे वीडियोस देख के ये तो पता लग ही चुका होगा कि मैं क्रूज कंट्रोल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। दुनिया कहती है यूज़ नहीं कर सकते हम इंडिया में, बट मैं तो दबा के यूज़ करता हूँ क्रूज कंट्रोल। सो बहुत हो गई अब एक्सप्रेसवे की मस्ती, बैक टू सिविलाइज्ड रोड्स नाउ। नोएडा को एग्ज़िट करेंगे DND से, और यहाँ पे स्पीड लिमिट्स का बड़ा पंगा है यार, समझ नहीं आता क्या स्पीड लिमिट है, 80 रखी हुई है स्पीड लिमिट DND फ्लाईओवर पे, 80 स्पीड लिमिट रखना है यार ऐसी खुली रोड पे, समझ नहीं आता, बट ठीक है रखी हुई है, सेफ्टी के लिए रखी है। इशू ये होता है यार 80 बहुत इजीली क्रॉस हो जाता है, अपनी गाड़ी पे हो अपनी बाइक पे हो तो बहुत ज़्यादा आराम से चलाना पड़ता है, और चलान भी बहुत जल्दी यहाँ पे टिकट इशू हो जाती है, तो स्लोली स्लोली चलाएंगे। देखो अब 79-78 पे सेट कर दिया हमने मामला, अब हमारा कोई चलान नहीं होने वाला है तो क्रूज़ कंट्रोल का एक ये भी फ़ायदा है, अपने आप को शांत करने के लिए यू कैन यूज़ क्रूज़ कंट्रोल। यहाँ पे आप थ्रॉटल पे हाथ ना ही दें तो बेटर है, 78-77 पे DND क्रॉस कर लें। सो गाइस टेक्निकली ये वीडियो मुझे हिमाचल की राइड के वीडियोस के बाद डालना चाहिए था, बट सिंस दिस इज़ काइंड ऑफ हैपनिंग जस्ट 2 डेज आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम द राइड, तो आई विल बी पुटिंग दिस वीडियो फर्स्ट, होपफुली इट विल बी लाइव बाय 9th or 10th of April, एंड उसके बाद आई विल बी पुटिंग द हिमाचल राइड वीडियोस, और बीच बीच में आई बी पुटिंग सम कंटेंट रिलेटेड टू द CB 350 RS दैट आई बी हैविंग विद मी फॉर 3 to 4 days, उसका डिटेल रिव्यू बनाएंगे एंड लेट्स सी कैसा बनता है वो, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आगे भी कुछ ऐसा करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द लाइक बटन एज वेल, शेयर करने का दिल करे तो वो भी करना, बाकी आई एम ऑल्सो देयर ऑन इंस्टाग्राम by the name of 23 rides, so follow me there, वहाँ पे I post daily content, almost 2 posts a day, which will keep you entertained I believe, so check me out there as well. So अभी around 1:15 PM हुए हैं, और इस टाइम पे दिल्ली एंटर करने का एक फ़ायदा है कि ट्रैफिक थोड़ा सा कम मिलेगा, रश आर वाला ट्रैफिक तो नहीं होगा, सुबह वाला ख़त्म हो चुका होगा, और अभी शाम का रश आर स्टार्ट होने में 3 घंटे तो एटलीस्ट हैं, 4:30 के बाद चालू होगा, सो जल्दी जल्दी बाइक पिकअप करके वापस दिल्ली से बाहर निकलते हैं, अपने बस का नहीं है अब ये ट्रैफिक झेलना यार, ग्रेटर नोएडा में ऑलमोस्ट 9 ईयर से रहते हुए हमें तो सुनसान रोडों की आदत पड़ चुकी है जंगलों की आदत पड़ चुकी है, ऐसी रोड्स जहाँ पे साइकिल भी बहुत बढ़िया चले मोटरसाइकिल भी बहुत बढ़िया चले ऐसी रोड्स की आदत पड़ चुकी है, तो हमसे नहीं होता अब ये। तो अब लेते हैं 12 पुला, ये हमें सीधे पटकेगा जाके एम्स पे आईने पे, और वहाँ से हमें हौस खास जाके करण भाई के घर जाना है।
A4 हटियो यार जरा थोड़ा सा। इस रोड पे तेज चलाना तो नहीं चाहिए, पर ऐसा खाली सेक्शन देख के ना फिर से दिल कर जाता है हल्का सा तेज करने का, पर आप चला नहीं पाओगे क्योंकि ट्रैफिक फिर से ज्यादा आ जाएगा आपके सामने। स्पीड लिमिट नीचे हो जा भाई 80 के। अरे भाई साहब 50 की स्पीड लिमिट, अरे कैसे चला लूं मैं 50 पे। यहाँ 80 पे नहीं चल रही बाइक, तुम 50 लिख रहे हो यार, क्या कर रहे हो। चलो यहाँ से आई डोंट थिंक सो 15 मिनट से ज़्यादा लगेगा, बिकॉज वी आर एट INA नाउ। 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस समय और मैंने अपनी फुल राइडिंग गियर पहनी है। आई एम वेयरिंग द क्लाइम जैकेट एंड द क्लाइम पैंट और मुझे गर्मी नहीं लग रही, सबसे बड़ी बात यह है। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है क्योंकि मेरा जो डिसीजन था प्रॉपर समर राइडिंग पैंट जिसमें बढ़िया प्रोटेक्शन हो वो लेने का, वो इससे काइंड ऑफ जस्टिफाई हो जाता है क्योंकि गर्मियों में 99% लोग राइडिंग गियर इसलिए अवॉइड करते हैं कि भाई साहब पहनी नहीं जाती। द इशू इज़ द वेंटिलेशन दैट द गियर प्रोवाइड्स इज़ मीडियोकर, दैट गिव्स यू एन एक्सक्यूज ऑफ अवॉइडिंग द राइडिंग गियर इन पीक समर्स व्हेन यू आर राइडिंग इन द सिटी। एंड राइट नाउ आई एम राइडिंग इन द हार्ट ऑफ दिल्ली इन समर्स 35+ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड दिस इज फीलिंग लाइक आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कूलर, सो ऑसम वेंटिलेशन। आई रियली विश आई हैड मेड द राइट चॉइस वाइल इन्वेस्टिंग इन द जैकेट इंस्टेड ऑफ द मैराकेश। इफ आई वुड हैव बॉट द बाहा S4 जैकेट देन थिंग्स वुड हैव बीन इवन मोर बेटर, बट समहाउ आई थिंक द मैराकेश विल ऑल्सो फिट द बिल फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। वाह क्या रॉन्ग साइड आ रहा है भाई, कहाँ लगानी है भाई, अंदर। कैसे लगाऊं ऐसे, ठीक है तप रही है अभी हैं, बहुत हीट मारती है भाई ये। हाँ पानी भी लेंगे, जगह तो बतेरी है इसमें, बैठूं क्या? तो फिर वही वैसे ही चढ़ के पक्का ना यार, आदत नहीं है भैंस की। ओ भाई डर लग रहा है, बैठने के पीछे आदत ही नहीं है ना, सीट तो बड़ी कंफर्टेबल है यार, ऐसे गद्दा लग रही है भाई, गॉड बहुत ही ज्यादा स्मूथ है यार, इनलाइन 4 की स्मूथनेस बंदा भूल जाता है। और जो पीछे वाली सीट है उस पर जो कुशनिंग है, वाह ऐसा लग रहा है सदियों के लिए बैठे रहो इस सीट पे। इस बाइक का जो कंफर्ट है नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल सीरियसली, टूरिंग के लिए दिस इज लाइक ऑसम ऑन रोड टूरिंग। जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट, अभी चलाई नहीं है मैंने, सो व्हेन आई गेट अ चांस आई विल लेट यू नो हाउ इट फील्स। 1,000,000 मोटो व्लॉग फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पे, वर्सेस 1,000 पे बैठ के मुझे तो कंफर्टेबल फील होना शुरू हो गया है ऑलरेडी। आई एम रियली फीलिंग वेरी कंफर्टेबल सिटिंग एज अ पिलियन ऑन द वर्सेस 1,000। कांट इमेजिन हाउ कंफर्टेबल दिस विल बी इफ यू पुट अ टॉप बॉक्स बिहाइंड एंड आई गेट दैट बैक सपोर्ट, देन यू काइंड ऑफ गेट रिड ऑफ दैट फियर ऑफ फॉलिंग बैक विद सडन एक्सेलरेशन हैपन्स। स्कॉर्पियन एग्जॉस्ट ऑन द वर्सेस 1,000 इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। He's riding at the current is right now riding at 51 on the fifth gear. Still there is a lot of noise. I just can't imagine touring on this machine with that sort of an exhaust. Touring generally requires an exhaust which has a very smooth exhaust note. It gives you that awesome sound when you rev hard. Otherwise at these speeds, I mean we are still
under 60 km/h and still there is a significant amount of noise that this exhaust is producing. That's the building that we have to go to, and the ride so far has been awesome. Never enjoyed being a pillion on any bike so far. This one has surely changed that thing. Super comfortable seat, very comfy ride. And that's the Honda Big Wing showroom where we have to go. पहुंच गए. आ जा भाई, आ जा. आ हाँ यार, पीछे बैठने की आदत ही नहीं है ना यार. बट क्या राइड थी यार, आई एम इम्प्रेस्ड. बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है यार. मतलब किसी को पिलियन को राइड कराना है तो भाई बेस्ट बाइक है. तो वी हैव फाइनली गॉट आवर हैंड्स ऑन द CB 350 RS एंड वी हैव दिस बाइक विद अस फॉर द नेक्स्ट 3-4 days. Riding a sub 500cc bike after so long. So let's see how our experience is over the next 3-4 days, because the last time I rode a 500cc bike was back in 2017 for more than one day, that is. Oh teri, ye kaisa lag raha hai mamla. I'll be doing a detailed review of the CB 350 RS in the next couple of days, and you'll be seeing the video on my YouTube channel 23 Rides. So stay tuned for that. If you're not subscribed, subscribe now, and the video will be out within the next 3-4 days, essentially by 11th or 12th April. So stay tuned for that, guys. We touch 110, no issues at all, and after 110 the wind blast gets to me.